हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड चिकन मोमो। अगर ये वाली रेसिपी को आप एक बार फॉलो करोगे ना, तो आप ना बाजार से खरीदी हुई मोमो खाना भूल जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले हम मोमो की शीट बना लेंगे। तो उसके लिए एक बोल ले लेना और एक छन्नी ले लेना और उसमें डालना है हमें मैदा। 2 कप मैंने मैदा लिया है, करीब 500 ग्राम के आसपास यहाँ पे मैंने मैदा ली है। और मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे। इसके अंदर अगर कोई कीड़ा या फिर कोई गुठलियाँ रह जाए तो ये हम फेंक सकते हैं आसानी से। तो छान लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो अपने स्वाद के अनुसार में थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। वेजिटेबल तेल डालना है दोस्तों इसमें ना, आप सरसों का तेल नहीं डालना। अगर आप सरसों का तेल डालना चाहते हो तो थोड़ा सा गर्म करके डालना। और तेल के साथ हम मैदे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे मैदे में ना एक अच्छा सा क्रस्ट रहेगा। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी या फिर पराठा बनाते हैं उतना सॉफ्ट डो हमें नहीं बनानी है, थोड़ा सा हम स्टिफ डो बनाएंगे। तो थोड़ा सा सख्त बनाना और धीरे धीरे पानी डाल के ही आपको इसे डो बनानी है। एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालनी है आपको। तो ये देखो दोस्तों, हमने इसका एक सख्त आटा लगा लिया है। तो अभी हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा तेल और तेल को इसके साथ अच्छी तरह से हम कोट करके इसको ढक के रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे दोस्तों, चलिए हम अंदर की स्टफिंग बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ली है, ये बोनलेस चिकन है। 400 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे चिकन ली है और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। अभी आपको लेना है एक मिक्सर का जार और उसमें ना ये चिकन को डाल के इसको ना अच्छी तरह से आपको पेस्ट करके लानी है। पानी नहीं डालनी है दोस्तों। ये देखो मैंने इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है। तो अभी इसको हम डाल देंगे एक बोल में और सारे चिकन को बोल में डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को बारीकी से काट लेना है। एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिया था। जितना आप चिकन ले रहे हो उसका आधा आपको प्याज लेनी है। एक बड़े चम्मच जितना मैंने यहाँ पे ली है बारीक कटी हुई लहसुन और आधा बड़ी चम्मच जितना मैंने यहाँ पे ली है बारीक कटा हुआ अदरक। और थोड़े से मैंने यहाँ पे डाले हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। एक छोटा चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। और नमक हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार में। एक छोटा चम्मच हम डालेंगे विनीगर, आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। और एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। और अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो स्टफिंग हमारी तैयार है दोस्तों। अभी चलिए देख लेते हैं आधे घंटे के बाद हमारी डो कैसे बनी है। तो ये रेस्ट होके बिल्कुल रेडी है। तो अभी ना हम इसका 3 पोर्शन कर लेंगे ताकि हमें इसे बेलने में आसानी हो। एक फ्लैट सरफेस ले लेना जहाँ पे आप बेल सकते हो, या फिर आप इसके छोटे छोटे लोइयाँ काट के भी बेल सकते हो। मुझे तो ऐसे ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि ज़्यादा आसानी बनती है मुझे इस तरह से बेलने में। तो 3 मैंने पोर्शन यहाँ पे कर ली है। तो अभी हम इसको बेल लेंगे एक बड़ा सा। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखनी है, बस इसी तरह से हम इसको बेलते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा आटा भी हम इसके ऊपर और नीचे के पार्ट में लगाते जाएंगे ताकि ये चिपके ना। और इसमें ना तेल लगा के आपको नहीं बेलनी है दोस्तों, नहीं तो आपने इसे बेल ही नहीं पाओगे। क्योंकि मैदे में ना एक इलास्टिक जैसी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से आप इसको जितना भी बेलो ना ये छोटा ही हो जाता है। तो आप ना इसके ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के ही बेलना। और उसके बाद एक कटोरी या फिर एक ग्लास ले लेना और उसी के साइज़ में इसको इस तरह से काट लेना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगती है। अगर आप चाहो तो छोटा छोटा लोइया काट के भी इसको बना सकते हो। और ये देखो एक परफेक्ट मोमो शीट हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये जो बाकी रह गए हैं ना, इसको हम फिर से रोल कर लेंगे और इसको हम फिर से रोटी जैसे बेल लेंगे। और जैसे हमने काटा है ना मोमो के लिए, बिल्कुल वैसे हम इसको भी काट लेंगे।
तो बस इसी तरह से हम सारे मोमो शीट्स तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है, तो अभी चलिए चलते हैं इसको मोमो का शेप देने के लिए। तो मोमो तो मैं यहाँ पे तीन तीन टाइप के शेप्स बनाने वाली हूँ, आपको जो ज़्यादा पसंद आए, जो ज़्यादा ईजी लगे आप वही बनाना। तो सबसे पहले हम इस तरह से थोड़ा सा स्टफिंग इसमें भर लेंगे और उसके बाद इसके एक साइड से बस इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट लेके हम इसका एक पोटली जैसा बना लेंगे। तो एक टाइप के तो बन गए हैं हमारे मोमो, ये पोटली वाले मोमो। आपको ये पसंद है तो ये भी करना, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। और एक टाइप के मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर से हम एक शीट लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़े से मोमो के स्टफिंग। ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है दोस्तों, नहीं तो ये ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसको हम एक साइड से इस तरह से पार्ट पार्ट करके चिपका देंगे। और ये सारा हमें चिपकाना नहीं है, बस दूसरे पार्ट से हम इस तरह से अपने हाथों से ही प्रेस करके चिपका देंगे। ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेस करना है दोस्तों, नहीं तो जब ही आप इसको फ्राई करते जाओगे ना, ये ना खुल सकती है। और ये है तीसरा वाला टाइप। तो तीसरे वाले में भी हम इस तरह से थोड़ा सा स्टफिंग भर लेते हैं और उसके बाद ये दोनों तरफ से हम इस तरह से चिपकाएंगे। तो बस तीन तरह के शेप मैंने आपको बता दी है, आपको जो ज़्यादा पसंद आए आप उसी से बनाना। तो मैं तो इसी तरह से सारे मोमोज को तैयार कर लेती हूँ। ये देखो मैंने सारे मोमोज को तैयार कर लिया है। तो अभी इसको रेस्ट पे नहीं रखेंगे दोस्तों, फटाफट से चलेंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से तेल ली है और तेल हमें उतना ही चाहिए जितने में ये मोमोज अच्छे से डूब सके। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम मोमोज को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप ना मोमोज को स्टीम करने के बाद भी इसको फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप इसी तरह से डायरेक्टली इसको फ्राई करना। इससे क्या होता है, मोमोज के ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसी तरह से ही बनाना। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कंटिन्यू पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसके चारों साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करनी है दोस्तों, नहीं तो ना इसके ऊपर ना छोटे छोटे पिंपल जैसे हो जाएंगे, मतलब कि बबल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको बबल्स वाला फीलिंग चाहिए तो आप हाई फ्लेम पे फ्राई करना, लेकिन इस तरह से फ्राई करोगे ना तो ये ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से बबल्स तो बनते हैं लेकिन वो इससे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो ये तो फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करनी है। ये तो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ और बस इसी तरह से मैं सारे मोमोज को फ्राई कर लेती हूँ। और इसको ना दोस्तों सर्व करनी है गर्मा गर्म, तभी जाके आपको मज़ा आएगा। साथ ही में मैंने लिए है थोड़े से टोमेटो केचप। आप चाहो तो थोड़े से शेजवान सॉस या फिर शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो। ये फ्राइड है, ये बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से भी ये सुपर सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो अगर आपको मोमोज खाना पसंद है तो आप इसी तरह से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ट्राई करके ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले जो फ्राइड मोमोज है वो कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।